जब हम लोग यह संसार छोड़ते हैं, एक घंटे के अंदर अंदर यमराज आते हैं और हमें ले जाते हैं। मनुष्य के तीन रूप होते हैं, एक जो शरीर है वह नाशवान, एक सूक्ष्म शरीर है और तीसरी है आत्मा। सूक्ष्म शरीर यहीं पर भटकता रहता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। उसी सूक्ष्म शरीर को ही यातनाएं मिलती हैं, क्योंकि आत्मा को ना तो दंड दिया जा सकता है, ना किसी प्रकार का सुख और ना दुख। आत्मा सुख दुख से परे होती है। यमराज ले जाते हैं, 24 घंटे के अंदर उस आत्मा को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। 13 दिन तक वह आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है, और उसी प्रकार से जैसा हम उस घर में व्यवहार करेंगे, आत्मा प्रसन्न होगी, दुखी होगी या अमर हो जाएगी। आत्मा तो अमर है ही, जो सूक्ष्म शरीर है उसे मोक्ष देने के लिए आप लोग रोए गाए नहीं, उसका भी एक कारण है। जब वह परिजन हमारे साथ थे, इतना भी समय था, खुश थे, जब उनके जाने का नया सफर शुरू हुआ है तो हम रोड़ा क्यों बनाए। जो लोग भी परिजन जाने के बाद में रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, ऐसी आत्माओं को शांति नहीं मिलती, ना तो इस लोक में ना तो परलोक में। कभी भी हमें जब हम शमशान में जाते हैं, अपने परिजन का देह संस्कार कर देते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा बहुत परेशान होती है कि आज भी यह लोग मुझसे प्रेम कर रहे हैं और आत्मा यह संसार छोड़ नहीं पाती। आत्मा तो परमात्मा में लीन हो गई, जो यह शरीर था वह पंच तत्व में विलीन हो गया, परंतु जो सूक्ष्म शरीर है वही यह यातनाएं भोगता है। और जब तक यातनाएं, जो हमारे अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि सत कर्म कीजिए। सत कर्म करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है, और आत्मा ही परमात्मा है। जब आप लोग ध्यान करेंगे तब आप लोग जान जाएंगे कि आत्मा गई कहीं नहीं है, नया रूप लेकर फिर से वापस आएगी, आपकी बेटी बनेगी, आपकी बहू बनेगी, नए रिश्ते में फिर से लौट कर आएगी। तो जाने वाले के लिए शोक ना मनाए, ऐसे करने से आत्मा तड़पती है और उसकी मुक्ति में बाधा आती है। तो कभी भी शमशान में या 13वीं श्राद्ध पर अपने परिजन को खुशी मन से विदा करें, ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है। और उसी लिए तो हम सारे कार्य करते हैं। जब कभी भी शमशान में जाते हैं तो अपने परिजन को जब जला देते हैं, भूल से भी मुड़कर कभी न देखें, ऐसा करने से अनर्थ होता है।